रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड LIC बिल्डिंग के पास स्थित दाऊ लाल पान शॉप के सामने कंबल ओढ़कर दुकान में लगे ताले को धीरे धीरे काट रहे एक व्यक्ति को रात्रि गश्त में लगे पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पकड़कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त औजार जब्त किए गए हैं। महासमुंद जिले के सरायपाला थाना की बलौदा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोकड़ी नाला के पास सुभाष बरिहा नामक व्यक्ति को पकड़कर 48 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। राजनांदगांव शहर के मध्य में स्थित होटल रैलिस में पिछले कई दिनों से अवैध रूप से निकोटीन युक्त पदार्थ का उपयोग कर हुक्का बार संचालित किए जाने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर मौके से 6 नग हुक्का पॉट, हुक्का जलाने हेतु 1 नग हीटर, 1 डिब्बे में 6 अलग अलग प्रकार के हुक्का फ्लेवर जब्त कर होटल मैनेजर जुनादुल इस्लाम उर्फ जॉनी को गिरफ्तार किया है। बालोद जिले के ग्राम झलमला स्थित घोटिया में सेप्टिक टैंक में एक व्यक्ति की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि लाश अधूरे निर्माणाधीन घर के सेप्टिक टैंक में मिली है। टैंक की गहराई लगभग 10 फीट बताई जा रही है। लाश की पहचान बिजली विभाग से रिटायर्ड 65 वर्षीय महेश कुमार साहू के रूप में की गई, जो 5 महीने से लापता था। महासमुंद जिले की नारकोटिक्स टीम व सरायपाली पुलिस ने ग्राम अर्जुंदा चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को दौड़ाकर पकड़ा और उनके बैग की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीली दवा व इंजेक्शन के अलावा 16,300 रुपए, 2 मोबाइल व बाइक को जब्त किया गया है। बिलासपुर जिले की नारकोटिक सेल एवं सिरगिट्टी थाना की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर योजना बनाकर हाईटेक बस स्टैंड तिफरा के पास घेराबंदी कर रायपुर जाने वाली बस के आसपास लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास कर रहे 2 युवक व 1 युवती को पकड़कर उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया है। बलौदाबाजार जिले की लवन पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस वालों का गांजा तस्करों की सौदाबाजी करने का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह पुलिस वाला और गांजा तस्कर पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। जगदलपुर के सन सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए डबल मर्डर की मिस्ट्री को बस्तर पुलिस सुलझाते हुए मृत महिला के पति CA की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी ने पत्नी को चूहा मार दवा पिलाकर तथा पुत्र की गला दबाकर हत्या की थी। रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने पत्रकार नीलेश शर्मा के खिलाफ IPC की धारा 504-505 के तहत अपराध दर्ज किया है। घुरुआ के माटी लिखने वाला पत्रकार नीलेश शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नीलेश शर्मा इंडिया रॉयल पोर्टल चलाता है। रिसाली सेक्टर की रहने वाली निशा के कंप्लेन दर्ज कराई है कि उसकी एक्टिवा को आग के हवाले कर दिया गया। आग के हवाले करने वाले युवक का नाम निशा ने अर्जुन बारी बताया है। युवती की शिकायत पर नेवाई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेमेतरा बिरला मार्ग में सड़क दुर्घटना में घंटे भर से घायल अवस्था में पड़े व्यक्ति को किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी दौरान देर शाम दौरे से लौट रहे कलेक्टर विलास भोसकर, संदीपन एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने भीड़ देखकर गाड़ी रुकवाई। इस दौरान संवेदनशीलता का परिचय देते हुए घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महासमुंद में 4 महीने पूर्व महिला स्व सहायता समूह के सदस्य की स्कूटी की डिक्की तोड़कर 1,08,000 रुपए की उठाईगिरी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में साइबर सेल की टीम ने ग्राम पंडरापारा पोस्ट विजयनगर थाना कापू जिला रायगढ़ निवासी प्रमोद नट को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के राजस्व पुनर्वास आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने जिले में चल रही प्रशासनिक कामकाज पर असंतोष जाहिर करते हुए सीधे कलेक्टर रानू साहू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर का आचरण भ्रष्ट है, वह भ्रष्टाचार में लिप्त है।
बालोद कलेक्टर, हेल्थ डायरेक्टर व जीएसटी कमिश्नर रहते हुए भी यही सब किया। जांजगीर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश खिलावन राम डिग्री ने गैंग रेप करने वाले दो शख्स को 20-20 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला वारदात के 13 महीने बाद आया। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। कुछ समय पहले फेसबुक पर हुई लड़की से दोस्ती के बाद युवक ने उसे शादी करने का झांसे में लिया और जसपुर से भगाकर तमिलनाडु ले जाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की बरमकेला पुलिस ने ग्राम खरवानी पार के सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर चोरी के सोना चांदी के जेवरात एवं नगद 1,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ थाना क्षेत्र स्थित तिरुपति क्रशर में कन्वेयर बेल्ट की सफाई करने के दौरान गिरने से एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस उक्त मामले में मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव जिले की गंडई पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में मृतिका मनीष पाल के जेठ और ससुर को गिरफ्तार करने के बाद फरार पति, सास व जेठानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका ने 28 जनवरी को घर में हुए दहेज के विवाद से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। राजनांदगांव जिले की मानपुर पुलिस ने डब्बा स्कूल पारा निवासी शाम सिंह गोंड को गांजा की अवैध बिक्री करने के लिए अपने घर की बाड़ी में गांजा छिपा कर रखा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने रेड कार्रवाई कर गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालोद जिले की गुरूर पुलिस ने लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर वाले ट्रैक्टर से अवैध रूप से लकड़ी लेकर गुरूर मुख्य मार्ग से होकर बालोद की ओर जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने भरदा पेट्रोल पंप के पास वाहन को घेराबंदी कर पकड़ लिया। बेमेतरा जिले की नांदगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 11 बाइक बरामद की है। आरोपी चोरी की बाइक बेचने के लिए नांदगढ़ थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौक पर ग्राहक की तलाश कर रहे थे। कांकेर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर दीपक भुजवानी की पत्नी पूजा ने बुधवार को फांसी लगा ली। घटना से कुछ समय पहले ही दोनों अपने 1 साल के बेटे के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी में जुटे थे। आशंका है कि पति पत्नी में किसी बात पर विवाद के कारण पूजा ने आत्महत्या कर ली। जांजगीर जिले की शक्ति में शिव बारात में डांस करते समय धक्का मुक्की को लेकर हुए विवाद में चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 5 युवक व 1 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। अनुशासन भूलकर नशे की हालत में अपने ही थाना प्रभारी पर रैफर तानने के मामले को एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिलते ही बुधवार को दोनों आरक्षकों धर्मेंद्र बंजारे व दुर्गेश खुटे को बर्खास्त कर दिया है। वारदात के तुरंत बाद दोनों को पहले निलंबित किया गया था। बलौदा बाजार पुलिस ने नौकरी लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना भाटापारा ग्रामीण व सिमला की संयुक्त टीम ने मुख्य सरगना रविशंकर समेत गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10,50,000 रुपए नकद सहित अन्य सामान जब्त किया है। राजधानी रायपुर में बुधवार रात 9 बजे सीएम आवास के समीप भगत सिंह चौक के रेड सिग्नल पर खड़ी इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। कार में एसबीआई डिप्टी मैनेजर और उनके ड्राइवर सवार थे। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की एक वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
बीजापुर जिले के थाना जंगला डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व बल 222 की टीम ने पिंटल तुंगाली से एक नक्सली वेल्ला वेट्टी को पकड़ा है, जो थाना जांगला क्षेत्र अंतर्गत 3 अप्रैल 2015 को जयवाराम नया पारा के पास आईडी ब्लास्ट करने की घटना में शामिल था। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले ने टीम के साथ प्रतापगंज चंद्रा गली खाली तालाब के पास जुआ खेल रहे 3 जुआनी को पकड़कर उनके पास से 10,250 रुपए व ताश पत्ती जब्त किया गया है। कांकेर जिले की पुलिस के जवान स्कॉर्पियो वाहन से आरोपी को जेल लेकर जा रहे थे। आरोपी ने नदी के पुल पर ही मौका पाकर वाहन की स्टीयरिंग घुमा दी, जिससे वाहन बाइक से जा भिड़ी और बाइक सवार नदी में जा गिरे। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक नदी में डूब गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी खाद्य निरीक्षक को पुलिस ने जेल में दाखिल कराया है। आरोपी का नाम निकलेस है। 17 वर्षीय किशोरी के मामले में शिकायत पर पुलिस को बताया गया कि आरोपी नौकरी दिलाने और राशन कार्ड बनाने का लालच दिया था, इसी दौरान उसने गंदी हरकतों को अंजाम दिया। डबरापारा चौक खुर्सी पार के पास गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां बेटे की मौत हो गई। हादसा सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच का है। हादसे के बाद काफी देर तक चक्का जाम की स्थिति रही। मृतक की पहचान पुराना निवासी शशि मिश्रा व अश्वनी मिश्रा के रूप में हुई है। दुर्ग के पद्मापुर फ्लाईओवर में गुरुवार तड़के एक स्कॉर्पियो व 2 बाइक की भिड़त हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में एक को जिला अस्पताल व 2 युवकों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पद्मापुर पुलिस ने हादसे के बाद मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया।